एक्सटर्नल मेटा, ये एक्सटर्नल मेटा में हम एक वन बाय वन स्टडी करेंगे। एक पहला होता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में हम डिफाइन करते हैं कि ये कंट पेज में कौन से कैरेक्टर सेट होने चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके बाद वो कीवर्ड्स, कीवर्ड जो होते हैं वो डायरेक्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, एसईओ के लिए। एसईओ ये डायरेक्टली रीड करता है। उसके बाद है ऑथर, उसका ऑथर कौन है, हम मेटा में यह लिख देते हैं कि ये ऑथर है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यू पोर्ट, मतलब अपनी ये वेबसाइट कौन से ब्राउज़र पे कंफर्टेबल है, ये हम यहाँ से लिख देते हैं ताकि वो उस ब्राउज़र पे वो प्रॉपर चल सके। उसका विड्थ, डिवाइस और ये, मतलब ये जब आप ये पेज एग्जीक्यूट करते हो तब वो पूरा स्टडी कर लेता है इस मेटा टैग के जरिए कि ये पेज का विड्थ कितना है, कौन से ड्राइव पे है, और उस एंगल से वो हमें इसको ब्राउज़र को दे देता है इंफॉर्मेशन, और उस तरह से हमारे कंटेंट एग्जीक्यूट होते हैं। इस तरह से मतलब ये मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो एक्चुअल एंड यूज़र को नहीं दिखती लेकिन वो एसईओ के लिए बहुत यूज़फुल होती है और आपका कोडिंग प्रॉपर चलने के लिए भी यूज़फुल होती है। जैसे कि ये ब्राउज़र पे देखो एक ही लाइन दिख रही है, ऑल मेटा टैग ये, लेकिन आप जब वो पेज का सोर्स कोड देखोगे तब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये हमारा बॉडी में दिख रहा है और बाकी जो मेटा टैग हमने लिखा हुआ है वो हमारे मेटा में ऊपर आ रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये पूरे मतलब एंड यूज़र के लिए विजिबल दिखते नहीं हैं लेकिन वो एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। मतलब इनका फंक्शनली बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब आपका ये फ़ोन से आप वेबसाइट देख रहे हो, टैबलेट से देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें ये उस एंगल से वो पेज दिखाता है। मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए ये व्यू पोर्ट बहुत मायने रखता है।